All content in this video is purely for informational and educational purpose only. Trading in stock market is a risky business. Consult your financial advisor before investing and trading. Hello traders, welcome to VP Financial YouTube channel. Traders, ये video है stock ideas and video पर जाने से पहले मैं आपके साथ share करना चाहूँगा कि हमारी YouTube की family 2500 cross कर चुकी है and जैसे कि आपसे promise है हमारा कि 3000 पे जब हम लोग जब touch करेंगे और हम लाइव आएंगे और आपके साथ जो भी स्टॉक्स आप बताएंगे आपके टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करने वाले हैं. सो जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, जल्द से जल्द 3000 पहुंचा दीजिए तो हम लोग लाइव सेशन करें और आपके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करें. ऑल राइट ट्रेडर्स, ट्रेडर्स आज के स्टॉक्स पे जाने से पहले आपने अगर फॉलो किया होगा हमारा लास्ट टू लास्ट वीडियो जो हम लोग ने थर्सडे को अपलोड किया था, तो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप क्रैश. एंड उसका रीजन सिंपल था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स ने सेम ऑलमोस्ट सेम चार्ट होता है दोनों का. सो दिस इज अवर हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, क्लियर डाउन ट्रेंड बनाया था एंड ये हमारे ब्रेकडाउन कैंडल थी. एंड उसके बाद आप देख सकते हो बैक टू बैक गिरावट आई हुई है, जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था और आपको वॉर्न किया हुआ था कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में क्रैश आ सकता है और गिरावट आ सकती है. तो रिजल्ट्स आपके सामने है, ऑलराइट. और आज भी आप देखेंगे तो ये कैंडल बनी हुई है विथ एक्सट्रीम वॉल्यूम बना हुआ है, दैट मीन्स सेल ऑफ यहाँ पर कंटिन्यूटी है. अगर आपके पास कोई स्मॉल कैप या मिड कैप होल्ड पड़ा हुआ है तो ये चीज आपको हमको बताने की जरूरत नहीं कि आपका क्या लेवल से हो, क्या कितना परसेंट नीचे गिरा पड़ा हुआ और क्या लेवल से आपका बाय पड़ा हुआ है. सो स्टे कॉशियस इन मार्केट व्हाइल ट्रेडिंग. आपको अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप के आप ट्रेडर हो तो आपको इसके निफ्टी के मिड कैप, अगर आप मिड कैप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, निफ्टी मिड कैप को आपको जरूर देखना है और स्मॉल कैप की भी सिमिलरली. अगर आप स्मॉल कैप बाय सेल कर रहे हो तो निफ्टी स्मॉल कैप को आपको जो इंडेक्स का ही चार्ट है आपको जरूर देखना है, वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है. और ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, हम लोग आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी डिस्कस करने वाले हैं आपसे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड अब नेक्स्ट क्या हमको लगता है एज पर प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, राइट. तो जाते हैं आज के हमारे पहले स्टॉक पे जो कि है जुबिलियन फूड. सबसे पहली चीज, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है. ओके, दिस इज अवर हाई पॉइंट. अगेन हमारा ये हायर लो है एंड नाउ दिस इज अ हायर हाई. सो क्लियर अप ट्रेंड, पॉइंट नंबर वन, स्टॉक इज इन क्लियर अप ट्रेंड. पॉइंट नंबर टू, ये अगर हम रीसेंट ये पूरा का पूरा जो इनगल्फ हुआ, लाइक मैं ज्वाइन कर लेता हूं, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को मैं ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पर क्लियर पीनट ब्रेकआउट आया हुआ है. एंड इसको और जस्टिफाई करने के लिए अगर मैं इसको एज ऑफ ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूं तो हमको ये क्लियर समझ में आ रहा है कि यस बॉस, इट्स अ बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट. अभी ब्रेकआउट हुआ है बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये हमारा होगा रीजन नंबर टू. रीजन नंबर थ्री, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है जो आज बनी है उसने हमको वॉल्यूम की भी जस्टिफिकेशन दी हुई है. तीन मेजर रीजन है हम लोगों को ये ट्रेड करने के लिए. एंट्री करेंगे हम ये इसके हाई पे जो कि है 1347, आज का जो हाई है हमारा. स्टॉप लॉस रखेंगे यही कैंडल का लो, अगर ये कैंडल का लो टूटता है दैट मींस यहां पर ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है जो कि है हमारा 1302 का. टारगेट रखेंगे हम, फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि ये जोन का है जो कि है 1400 का. टारगेट वन हमारा 1400 हो गया. नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये तो ये जोन पे आ गए हम, ये जोन हमारा नेक्स्ट टारगेट जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि आ रहा है 1533. लेट्स कंसीडर 1530. तीन मेजर रीजन है ये ट्रेड लेने के. स्टॉक ने क्लियर अप ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है, स्टॉक एक नैरो रेंज, अगर आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न नहीं समझ में आता है और आप बिगिनर हो तो आपको ये समझना है सिर्फ ये जो नैरो रेंज है, मैं ये पोल हटा देता हूं,
ये जो नैरो रेंज है, ये नैरो रेंज से फाइनली स्टॉक ने अप मूव दिया हुआ है, ओके ये ब्रेकआउट कैंडल है और ब्रेकआउट कैंडल को जस्टिफाई कर रहा है वॉल्यूम। सो तीन मेजर रीजंस की वजह से 1347 के ऊपर हमारी बाइंग एंट्री है, स्टॉप लॉस विल बी बिलो 1302, टारगेट फर्स्ट टारगेट विल बी 1400, नेक्स्ट टारगेट विल बी 1530। आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है स्ट्राइड्स, स्टार फार्मा जिसको बोलते हैं, सीड ट्रेडर्स, दिस इज अवर हाई, दिस इज अवर लो, दिस इज अवर लोअर हाई, दिस इज अवर लोअर लो, क्लियर डाउन ट्रेंड। रीजन नंबर वन, स्टॉक इज इन क्लियर डाउन ट्रेंड। रीजन नंबर टू, अगर मैं इस सपोर्ट्स को लाइक दिस, ये मैं सपोर्ट्स को अगर ज्वाइन करता हूं, लाइक सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री भी था ये, बट यहां पर हमको क्लियर ब्रेकडाउन आया है। सो रीजन नंबर टू, स्टॉक ने अपना रीसेंट सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है। रीजन नंबर थ्री, ब्रेकडाउन किया है अलॉन्ग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। ओके, तीन मेजर रीजन ये एंट्री स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। एंट्री करेंगे हम बिलो 406, जो कि कैंडल का लो है, स्टॉप लॉस रखेंगे ये कैंडल का हाई है जो कि 412। फर्स्ट सपोर्ट जो कि है 398 के अराउंड, नेक्स्ट सपोर्ट जो कि है बॉटम 392। राइट, स्टॉक ने क्लियर डाउन ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है, स्टॉक ने क्लियर अपना ब्रेकडाउन किया हुआ है, यहां पर सपोर्ट तोड़ के ब्रेकडाउन किया है अलॉन्ग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। ओके, 406 के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, 412 का स्टॉप लॉस, 398 का हम लोगों का फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 392 का। ट्रेडर्स, अब बात करते हैं निफ्टी की। अवली पे चले जाते हैं, सॉरी 30 मिनट्स पे देख लेते हैं एक बार। सी ट्रेडर्स, ये हमारा टॉप है, लो लोवा हाई, लोवर 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 लो। ओके, ये लोवा हाई लोवर लो नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। सो क्लियर डाउन ट्रेंड, निफ्टी हमारा क्लियर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, अगर मैं सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूं, लाइक सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, एंड हमको यहां पर फाइनली अब ब्रेक डाउन मिल रहा है, ये हो गया हमारा रीजन नंबर टू। रीजन नंबर थ्री, ब्रेक डाउन आया हुआ है एंड में वॉल्यूम काफी अच्छा आया हुआ है, ये हो गया आपका रीजन नंबर थ्री। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिलो दिस कैंडल लो जो कि है हमारा 10,625, स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये कैंडल का हाई ऑलमोस्ट 10,660, ये कैंडल का हाई से थोड़ा सा और नीचे रख देते हैं, लेट्स कंसीडर, क्योंकि अगर उसके ऊपर ये कैंडल के नियर बाय भी आ गया तो फिर हम लोग अपसाइड हो सकता है, क्योंकि ये डबल बॉटम बन जाएगा फिर। लेट्स कंसिडर 10,660 विल बी अवर स्टॉप लॉस। 625 के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, 10,660 का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो सपोर्ट्स है हमारे, ये जोन के
which is at 10,580 ये लेवल का जो बॉटम है हमारा ओके सो 10,625 के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 10,660 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10,580 10,660 स्टॉप लॉस हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि अगर ये लेवल के आसपास भी आया डबल बॉटम से ये ब्रेक हो जाएगा 10,000 जो एक्चुअली ये कैंडल का जो हाई है अगर हम वो रखेंगे क्योंकि हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा ओके ये कैंडल ये जो अपना इसका हाई नहीं बोल रहा हूं मैं ये कैंडल का हाई बोल रहा हूं मैं ये कैंडल का हाई जो है 10,657 का है तो 10,660 का इसलिए हम लोगों ने इसमें स्टॉप लॉस रखा हुआ है 3 रुपए का बफर डाल के ये जोन का हम लोग इसलिए नहीं रख रहे हैं अगर यहां पर रखेंगे दैट मींस ये क्लियरली अप ट्रेंड चला जाएगा तो इतना वेस्ट हम लोगों को स्टॉप लॉस रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है क्लियरली जैसे ये कैंडल का हाई हम लोग यूज करेंगे एज ऑफ स्टॉप लॉस के हिसाब से अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन है एक बार हम लोग ऊपर से देख लेते हैं कैसे फॉल आया हुआ है हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्लियर ब्रेकडाउन आया हुआ था अगेन हाई लो लोअर हाई लोअर लो क्लियर डाउन ट्रेंड रीजन नंबर वन बैंक निफ्टी इज इन क्लियर डाउन ट्रेंड रीजन नंबर टू अगर मैं सब सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये क्लियर ब्रेकडाउन आया हुआ है रीजन नंबर टू रीजन नंबर थ्री आप देख सकते हो वॉल्यूम एंड ट्रेडर्स यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे इट्स अ बेरिश फ्लैग पैटर्न ओके ये हमारा पोल हो गया ये हम लोगों का खिचड़ी पक गई अंदर ट्रायंगल के अंदर एंड फाइनली वी हैड दी ब्रेकडाउन So entry will be below 26,620 stop loss रखेंगे हम ये candle का high 26,755 target first support जो कि ये zone है जो कि आ रहा है हमारा 26,450 का ऑलराइट बैंक निफ्टी क्लियर डाउन ट्रेंड में है यहां पर ब्यूटीफुल एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है बेरिश फ्लैग पैटर्न जिसका नाम है अगर आपको फ्लैग पैटर्न के बारे में जानकारी लेनी है हमने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है आप जस्ट लिस्ट के थ्रू या हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसके एक लिंक डाल देंगे आप जरूर देखिए उसमें आपको क्लियर रूल्स जो रहते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न के एंड बुलिश फ्लैग पैटर्न के हम लोगों ने उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं मेंशन किए हुए हैं आप एक बार जरूर देख लीजिए आप तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा और किस हिसाब से फॉर्मेशन हुआ है इसमें से बेरिश फ्लैग पैटर्न ऑलराइट 26,620 के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 26,755 का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी में टारगेट रहेगा हम लोगों का 26,450 का ऑल राइट ट्रेडर दिस इज इट आज का ये हमारा वीडियो अलॉन्ग विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप लोग काफी बोलते रहते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी इंक्लूड किया करो तो सी ट्रेडर्स जब कोई अच्छा और मजेदार पैटर्न फॉर्मेशन होता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में पर्सनली मैं भी तभी ट्रेड करता हूं मैं रेगुलर ट्रेडर नहीं हूं मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूं बट जब अच्छा मौका अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो ही मैं खुद भी ट्रेड करने की ट्राई करता हूं और आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करने की ट्राई करता हूं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो